बता दो ना निशान, बता दो सेंटर का, मशीन चलेगी इसमें। राजौरी थाना मंडी आरटीएस रोड का एक लास्ट जो बचा हुआ है, इसमें ये बाईपास हो रहा है ताकि जो ज़्यादा कम से कम जो बिल्डिंग्स जो हैं बिल्डिंग्स की डिमोलिशन हो सके, लोगों के उसके लिए ये और ग्रेडियंट देने के लिए जो है बीआरओ ने प्रॉपर ग्रेडियंट के लिए ये जो है बाईपास लिया हुआ है। अलाइनमेंट जो है मॉर्थ की तरफ से है, अलाइनमेंट में कोई चेंज नहीं होगी। हाँ, ये है कि लोगों को जो ग्रीवेंसेज हैं, मैं सुनने के लिए यहाँ पर हूँ। जो भी ग्रीवेंसीज होंगी, जो भी अलाइनमेंट का इशू होगा, मेरे पास प्रॉपर अलाइनमेंट है, डीपीआर है, हमारे बीआरओ के जेईज हैं, इंजीनियर हैं, सब लोग हैं, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ जगह पे हमें हिंड्रेंस आ रही है, हमने आज काम स्टार्ट कर दिया है और जो कुछ दिनों तक हम ये बीआरओ को क्लियर करके दे देंगे ताकि धर्मराज कंस्ट्रक्शन इस पैच को भी क्लियर करे, जैसे हमने नीचे भी और मनियाल एरिया में भी क्लियर किया हुआ है। अभी जो हम अभी सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं, प्रॉपर मार्किंग होने के बाद हम फाइल वर्क जो है साथ में चल रहा है, हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं, इन्होंने फाइल वर्क जो है कर दिया है, कुछ ही दिन में हम सबमिट करके तो इसका एसआईपी एग्जम्पशन लेके हम इसको क्लियर कर देंगे और विद इन डेज जो है लोगों को डिसबर्समेंट करना शुरू कर देंगे। जी देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारी लैंड एक्विजिशन पेपर्स हैं जो थाना मंडी बाईपास के हैं, इसके हम रीवेरिफिकेशन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट रहे, तभी उसी सिलसिले में जो है हमने पैग मार्किंग स्टार्ट की है और जहाँ जहाँ हमारे क्लियर पैचेज हैं वहाँ पर रोड का काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा फास्ट ट्रैक बेसिस पे है, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ये फाइल वर्क कंप्लीट किया जाए और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर्टिकुलर पैच को लेके जो है काफ़ी सीरियस है कि ये एक तो काम भी जल्द से जल्द हो और लोगों को जो कंपनसेशन उन तक पहुंचाना है वो भी जल्दी हो। इसीलिए जो हमारी तरफ से जितना होगा जल्दी, सिर्फ हमारे लेवल पर नहीं बल्कि हायर अथॉरिटी जो हमारे कलेक्टर डिफेंस हैं, जो कलेक्टर लैंड एक्विजिशन है इस पर्टिकुलर रोड के लिए, वो भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर हैं कि जितने जल्दी हो सके ये प्रोसेस को कम्प्लीट करके लोगों तक जो मुआवजा है वो स्ट्रक्चर्स का हो या लैंड का हो वो उन तक पहुंचाया जाए।